अच्छा जी, अब ये फंडर लेक थोड़ी सी नीचे है तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। रात को देखी थी, मगर वो सिर्फ देखी थी दूर दूर से, मतलब सही नज़र नहीं आ रही थी रात में। अभी जा रहे हैं उधर, खूबसूरत जगह है। रात यहाँ पे हमने स्टे किया। यहाँ से ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके एक टॉप भी है, वहाँ से पूरी नज़र आती है लेक। मगर मैंने पूछा इनसे तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से आप जाएँ तो ये जगह आप लेक को टच भी कर सकते हैं। दूसरा, मेरा बेटा शहज़ादा जो है उसको पानी का शौक़ है, तो देखते हैं अगर कोई साइड पे उसको पानी मिल जाए, उसके पाँव शाँव धुला दें हम। ये है फंडर लेक। यहाँ से आप थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है ऊपर रोड से, नीचे ऊपर से भी नज़र आती है, मगर यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। नीचे जाते हैं, थोड़ा सा पानी एंजॉय करते हैं और फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। फंडर आगे पूरी वैली है और विलेज है, वो एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से आज शाम शाम को वापस निकलना है इंशाल्लाह। क्या है वापस, क्या है है? इसकी खुशियां चेक करें जी। किधर जाना है, किस में जाना है, वाटर में जाना है? अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसमें ये गोल्डन फिश भी हैं। यहाँ से शंदूर 48 किलोमीटर है। ये नीचे सारी की सारी फंडर वैली है, ये सारी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत वैली है, दरिया के किनारे, ऊपर बर्फ के पहाड़ हैं और नीचे फंडर वैली। यहाँ पे आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ से पीछे गुपेस में आपको अच्छे होटल मिल जाते हैं, या उससे पीछे गाकूच, वहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे गुलमुती, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। हमारा प्लान ये है कि नीचे विलेज वगैरह देखेंगे, आगे कोई सस्पेंशन ब्रिज है वो भी देखते हैं और फिर वापस निकलेंगे। कोशिश करेंगे कि हम गुलमुती जहाँ पहले रुके थे वहाँ वापस पहुँच जाएं, ना पहुँच सके तो फिर ये करेंगे कि गुपिस रुक जाएंगे। गुपिस भी ठीक है जगह।
हम लोग ये फंडर विलेज हमने देख लिया सारा। अभी यहाँ पे वो एक पीछे ब्रिज था छोटा सा, वो इसी को फंडर ब्रिज बोलते हैं। बाकी यहाँ पे वो फंडर लेक ही है देखने वाली, और ये वैली है जिसका व्यू ऊपर से आता है। ये अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे तक जाते हैं और फिर हम वापस निकलेंगे, क्योंकि वापस जो फंडर जहाँ से स्टार्ट होता है उसकी बैक पे एक विलेज था बहुत खूबसूरत, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं और फिर वापसी की तरफ निकलते हैं। बस ये यहाँ तक लास्ट पॉइंट ही करते हैं। गुप्पे से थोड़ा सा पीछे ये एक बड़ा खूबसूरत सा स्पॉट है जहाँ पे ये इन्होंने स्टफ़ करवा के चीज़ें भी रखी हुई हैं। बस कॉर्नर सा बना हुआ है बड़ा प्यारा सा। तो हम यहाँ रुके हैं कि चेरी शेरीज खा रहे हैं, साथ बच्चों ने थोड़ा इन्जॉय किया। होटल वालों खाना खाने के लिए यहाँ से यासीन का रास्ता अलग हो जाता है, यासीन वैली का, और सीधा जो है वो जा रहा है शंदूर वाला रास्ता है, और हम वापस नीचे गिलगित वाले रास्ते पे जा रहे हैं। यही रास्ता था जो मैंने आपको और जाते हुए नहीं दिखाया था। गुप्पे सिटी से थोड़ा, सिटी तो नहीं है टाउन है, उससे थोड़ा सा आगे जी हमने गुपिस क्रॉस किया है, गाकूच के करीब पहुंचने वाले हैं। एक वैली से गुजर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ अभी हुई है, हमारी गाड़ी के आगे एक दूसरा गाड़ी वाला बहुत स्पीड में आया, हालांकि मैंने उसको हॉर्न भी दिया है तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने बचाया। यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो बिल्कुल मतलब सीरियस नहीं है, उनके पास NCP गाड़ियाँ हैं और वो समझते हैं कि मोटरवे है, और वो इन मोड़ में जहाँ पे एक तरफ दरिया जा रहा है और दूसरी तरफ पहाड़ है वो जहाज़ बना के चला रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ी मुश्किल से मेरी गाड़ी उससे टकराते हुए बची है। तो आप लोग भी जब आएँ तो कोशिश करें कि अपने बड़े हॉर्न लगवा के आएँ इस एरिया के लिए, और हर मोड़ में हॉर्न बजाते हुए जाएँ। वैसे सुनेगा कोई भी नहीं, बट फिर भी कोशिश करें कि, और अपनी एहतियात खुद ही करें, क्योंकि ये लोग तो स्पेसिफ़िकली जो यहाँ के लोकल ड्राइवर्स हैं वो बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं। मतलब हमारे साथ जो गाड़ियाँ निकलती हैं, अभी वहाँ से एक गाड़ी हमारे साथ निकली थी, वो हमें क्रॉस किए हुए भी उसके मेरे ख्याल में कोई पौना घंटा हो गया, वो हमसे बहुत आगे चली गई है। तो ये चीज़ें अब ये देखिए बिल्कुल ट्रक कहाँ पे है और मेरी गाड़ी कहाँ पे है। तो इस तरह की जगह आती हैं, आपको बहुत एहतियात करनी।
लोग वापस उसी होटल पे गुलमुती में आ चुके हैं। काफ़ी देर हो गई थी, आगे गिलगित जाने का प्लान था मगर नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, उस दिन भी बहुत देर हो गई थी। तो ये होटल भी अच्छा था तो हम अब यहाँ ही जा रहे हैं, रेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह चलो लिया बस।